दूसरे वर्ष गोवर्धन पर्वत का हुआ निर्माण, हजारों लोगों ने लगाई परिक्रमा। ये त्योहारों की धारा है, झूमे देश ये सारा है। नई रोशनी आई दिवाली, महक दौड़ती मीठी वाली। ये त्योहारों की धारा है, झूमे देश ये सारा है। पिछले 28 सालों से धारा इंडिया के हर त्योहार का एक अटूट हिस्सा रहा है। धारा इंडिया का तड़का। नमस्कार, आप देख रहे हैं तूफान टीवी। सभी दर्शकों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। श्री देव श्यामलाधीश प्यासी ट्रस्ट मंदिर द्वारा लगातार दूसरे वर्ष गोवर्धन पर्वत के स्वरूप का निर्माण आशीर्वाद गार्डन में किया गया। इस अवसर पर अनेक भक्तों ने गोवर्धन परिक्रमा लगाई तथा धर्म लाभ प्राप्त किया। इस अवसर पर ट्रस्ट द्वारा अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रमों एवं भोज का आयोजन भी किया गया। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। हाथ धोने की व्यवस्था के लिए नल लगाए गए हैं। ये इस कार्यक्रम को करने के पीछे हमारी समिति का एक हेतु था। यहाँ से वृद्धधाम के लिए परिक्रमा करने के लिए दीपावली के दूसरे दिन हजारों की संख्या में दमोह नगर से ही परिक्रमा करने लोग जाते हैं, जो गोवर्धन धाम की परिक्रमा करते हैं, वृंदावन की परिक्रमा करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास धनाभाव है, किसी के पास समय का अभाव है। श्रीदेव श्यामला जी प्रासी मंदिर ट्रस्ट कमेटी ने विचार किया कि हम इनके लिए क्या कर सकते हैं धार्मिक भाव को ध्यान रखते। तो हम लोगों ने सोचा कि एक भाव रूप में यहाँ पर गोवर्धन जी की स्थापना की जावे। इसके लिए फिर पंडितों से हमने सलाह ली, गोवर्धन जी जाकर सलाह ली, तो उन्होंने ये कहा कि वहाँ की जो रज है गोवर्धन की, हम रज लाते हैं, वहाँ पंडित जी लोग जाते हैं, वहाँ से विधि बदान से मंत्र हुए वहाँ की रज लेके आते हैं, मानसी गंगा का जल लाते हैं, राधा कुंड कृष्ण कुंड इंद्र कुंड जितने भी सरोवर वहाँ पर हैं उनका जल ला करके यहाँ लाते हैं, और फिर यहाँ पर मंत्रोच्चारण के द्वारा उनका स्थापना यहाँ पर मानसी गंगा बनाई गई है। बीच में राधा कुंड कृष्ण कुंड का किया है, इंद्र कुंड किया गया है। इस प्रकार से पूरे कुंड यहाँ स्थापित किए जाते हैं।